चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक विज्ञान से संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पॉलिटी के। ठीक है, तो याद रखिए अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चंस इसमें देख चुके हैं, और इस तरह के आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, फिर चाहे आपके भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान का हो, या वर्ल्ड जीके हो, या फिर कंप्यूटर के सामान्य क्वेश्चन हो, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQ के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। 101वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। संयुक्त राष्ट्र हिंद संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, क्वेश्चन है दूसरा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो आपको याद रखना है 1948। कब? 1948 को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, क्या है तीसरा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके 15 जज होते हैं। क्या? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है फोर्थ, क्या है? संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पांचवा, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 106, यानी कि 6। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। रूस आपका है, अमेरिका आपका है, इंग्लैंड आपका है, लेकिन जर्मनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 7, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आपके 194 देश हैं। कितने? 194। क्वेश्चन है आपका 108, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है? तो याद रखना 15। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9, क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन है आपका 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बार पूछ लेता है परीक्षाओं में कई, तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है 11, क्या है? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो याद रखना JH ड्यूनांट। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था आपका 1945 में। 1945, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका हैग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हैग में स्थित है। क्वेश्चन है 14, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी? बनी थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका डरबन में हुआ था। ठीक है, 15 का बी। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यह होता है आपका 2 वर्ष का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 17, क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। याद रखिए, इन्हें एक वीटो पावर मिली होती है, स्थायी, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं इन्हें एक वीटो पावर मिली रहती है कि अगर कोई भी वो रिपोर्ट है या कोई भी काम है, अगर उस पर सभी देश सम्मिलित नहीं होते हैं या सहमति नहीं जताते हैं तो वो काम रुक जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तक आपके यहाँ पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद को आतंकवादी लिस्ट में डालने के लिए सभी देश सहमति जता देते थे, लेकिन आपका चीन है जो ये हर बार वीटो कर जाता था। ठीक है, ये एक तरह की पावर होती है। क्वेश्चन है आपका 18, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 19, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन है आपका 20, क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन आपका 21, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये आपके अस्थाई अध्यक्ष थे और फिर उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थाई अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन है आपका 24, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो याद रखना, संयुक्त प्रांत का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखना, लेबर पार्टी की, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो याद रखना, 1935। क्वेश्चन है आपका 28, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा आपकी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 29, क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। क्वेश्चन है हमारा 30, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। क्वेश्चन है हमारा 31, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल आपका 1909 में पारित किया गया, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है 32, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पारित किया गया था, 1773 में। क्वेश्चन है आपका 33, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो याद रखना है, फ्रांस में। क्वेश्चन है 34,
भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान आपका नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, सी ऑप्शन होगा। याद रखिए, आपकी जो भी PDF होती हैं वो सभी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ चैनल पर, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन है हमारा 35। क्या है क्वेश्चन 35 है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह आपका भारत का। क्वेश्चन है आपका 36। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो याद रखना समाजवाद, ए ऑप्शन सही है। ये हुआ था 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन है आपका 37। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ये थे जी ऑस्टिन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 39। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक आपका, एक सेकंड रुकिए, भारतीय संविधान का अभिभावक आपका सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है आपका 40। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो याद रखना संविधान, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 41। क्या है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यह आपका कनाडा से लिया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 42। क्या है? भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 43। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 44। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ये आपके आयरलैंड के देश के आधार पर किए गए हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? यह हुई थी आपकी ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। क्वेश्चन है आपका 46। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में ने उधार लिया था, कहाँ से? इंग्लैंड से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 47। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो ये हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी कभी प्रोनाउंस ऐसा हो जाता है कि लेनी अध्यक्षतात्मक शासन का उदय, ठीक है, इतना तो एडजस्ट करते रहिएगा। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है संविधान में। बताया आप लोगों को कि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अगर आप एक शब्द का गलत उच्चारण कर दो तुरंत उस पर ध्यान जाएगा, अरे भाई इतने तो तुम भी पढ़े लिखे हो और सामने स्क्रीन है तुम्हारे, यहाँ से भी देख सकते हो कि गलत पढ़ दिया होगा, हो गई होगी गलती, तो इसमें बोलने का क्या मतलब है? तुम भी तो सुधार कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस का गलत आंसर दे रहा हूँ तो आप लोग उसे सुधार करके कमेंट में लिख दें कि ये आपका गलत है, क्योंकि गलती तो हो जाती है हर किसी से, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 49। भारत में सर्वोच्च माना जाता है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है संविधान को। क्वेश्चन है हमारा 50। भारत में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 22, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 51। क्या है?
संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है सॉरी। तो यह है आपका भाग 3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 52। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थीं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 53। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किसी राज्य में लागू नहीं होती है? तो याद रखना मणिपुर। ये आपको ATMM आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? मेघ, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। ठीक, इसमें आपका मणिपुर शामिल नहीं है। क्वेश्चन है आपका 54। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता था? तो याद रखना है, पहले आपका नहीं होता था, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, 2019 में आपकी 370 और 35 से अनुच्छेद हटा दिए गए। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो अब खत्म कर दिया गया। अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं। तो याद रखना है, अब अगर बात की जाए कि कहाँ होता है, तो ये सभी राज्यों में होगा। ठीक है, लागू होगा, क्योंकि जब से आपका जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, अब वहाँ कोई भेदभाव नहीं रह गया है। ठीक, क्वेश्चन है 55। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 56। क्या है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखना, एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता। क्वेश्चन है हमारा 57। क्या है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 5 से, अनुच्छेद 5 से 11 में। क्वेश्चन है 58। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखना 7 वर्ष। क्वेश्चन आपका 59। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। क्वेश्चन है आपका 60। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 61। क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन है हमारा 62। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है आपका राज्यों का संघ। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 63। क्या है? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ये आपकी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन है आपका 64। संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो याद रखना अनुच्छेद 40। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन है 66। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो यह आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 67। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है आपका वैधानिक अधिकार। पहले आपके मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसे 48वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन है आपका 68। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है।
ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 69, नीति निर्देशक तथ्य का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। क्वेश्चन है हमारा 70, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? एक बार फिर देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखना अनुच्छेद 51। क्वेश्चन है हमारा 72, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तथ्यों में? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 73, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। क्वेश्चन है हमारा 74, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? चार। क्वेश्चन है हमारा 75, क्या है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो याद रखना 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, से हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत बदलाव किया गया था संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? ये हम लोगों ने देख ही लिया है 1976। क्वेश्चन है 77, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो याद रखना राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 78, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आपके संसद के भाग हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका 79, संसद के दोनों सदनों का सत्तावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है 80, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 81, क्या है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ये रही आपकी 17 अप्रैल 1952 तक। क्वेश्चन है हमारा 82, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा 83, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा 84, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है आपका 85, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन है हमारा 86, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन है हमारा 87, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो याद रखना उच्चतम न्यायालय को। जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होता है उसे देखता है आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन है 88, राष्ट्रपति के त्याग पद की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 89, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति को।
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग को। और वैसे भी आपका योजना आयोग जब से नीति आयोग आया है तो इसे वित्ति स्थापित करके ही आपका नीति आयोग आया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 91, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्य बताया आपको, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, यहाँ नियुक्ति नहीं करता है, ये गलत है, नहीं हटा दो तब क्वेश्चन सही होगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। क्वेश्चन है 92, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के भीतर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 93, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो याद रखना एंग्लो इंडियन का। क्वेश्चन है हमारा 94, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये आप इसका इनका विधायी अधिकार 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन है आपका 95, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो बात कर ही चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय की। क्वेश्चन है आपका 96, लैब के पद का निर्णय कौन करेगा? लैब के पद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 97, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है आपका 98, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखना 12, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 99, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन है हमारा 200, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन सही था। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस तक, 201 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। 201 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे।